अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप पे के जरिए आप आसानी से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आप कैसे अपने बैंक अकाउंट को व्हाट्सएप से लिंक या रिमूव कर सकते हैं। मेटा के अंदर आने वाली मैसेजिंग ऐप कंपनी व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए इन चैट पेमेंट सर्विस शुरू की है। इसका नाम व्हाट्सएप पे भी है। इस UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस के जरिए यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद किसी भी फ्रेंड को आसानी से पैसे भेज सकता है या मंगवा सकता है। व्हाट्सएप पे को 2018 में लॉन्च किया गया था और फिर 7 फरवरी 2020 में इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मान्यता प्राप्त हुई। अब भारत में व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ऐसे में यूजर्स को इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए अपने बैंक खाते को व्हाट्सएप में जोड़ना और लिंक करना पड़ेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस की सुविधा प्राप्त करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले अगर आपने अपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है तो पहले उसे अपडेट करना होगा। आप व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद सीधा टॉप राइट कॉर्नर पर मौजूद 3 डॉट वाले आइकन यानी सेटिंग्स को क्लिक करें। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक छोटा बॉक्स खुलेगा जिसमें 4th नंबर पर पेमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक करें। उसे क्लिक करने के बाद यूजर्स को 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक सेंड पेमेंट और दूसरा स्कैन पेमेंट QR कोड। आप इस ऑप्शन को चुनकर भी अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा वहीं नीचे आपको ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उसे क्लिक करें। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको वहां पर बहुत सारे बैंक के ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको उनमें से ढूंढकर अपना बैंक सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप आपके फ़ोन का सिम और व्हाट्सएप नंबर दोनों मैच करना चाहिए, उसके बाद ही आपके अकाउंट एक SMS के जरिए वेरीफाई हो पाएगा। अब आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन कोड के साथ प्री फिल्ड SMS आएगा। यहाँ आपको सेंड का ऑप्शन क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। अब आप अपने उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करें जिससे आप व्हाट्सएप पेमेंट की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। अब आपको सेंड पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इस सुविधा का लाभ उठाना है। आशा करती हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।